गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण में मैं आप लोगों को करुण रस के बारे में बताने जा रहा हूँ। करुण शब्द का नाम सुनते ही हर व्यक्ति के मन में एक ऐसा भाव उत्पन्न होता है जिसमें लोगों की नज़रें, लोगों के सिर झुक जाते हैं और लोग सोचने पर विवश हो जाते हैं कि आगे की परिस्थितियां क्या है। करुण रस की परिभाषा बताई गई है कि प्रिय व्यक्ति के पीड़ित या गत होने या किसी वस्तु के नष्ट हो जाने पर हृदय में जो क्षोभ उत्पन्न होता है, जो पीड़ा होती है, जो कष्ट होता है, उसी से करुण रस की उत्पत्ति होती है। आप जानते हैं, कोई प्रिय व्यक्ति या किसी बीमारी से पीड़ित है या मर चुका है या किसी का कोई प्रिय वस्तु नष्ट हो गई है, तो इस परिस्थिति में हृदय में जो कष्ट उत्पन्न होता है, जो पीड़ा उत्पन्न होती है, उसी से करुण रस की उत्पत्ति होती है। करुण रस का अस्थायी भाव है किसी भी कारण विकलता बेचैनी से उत्पन्न शोक। तो किसी प्रियजन को कोई कष्ट होता है उससे भी दुख उत्पन्न होता है, शोक उत्पन्न होता है, किसी के मर जाने पर भी शोक उत्पन्न होता है या किसी की प्रिय वस्तु नष्ट हो जाती है उस पर भी शोक उत्पन्न होता है। तो शोक क्या है? वास्थाई भाव है करुण रस का। और इसमें भी आलंबन होते हैं,